आज हम बना रहे हैं तिल की चिक्की। हमने 1 कप जो है ये तिल लिया है, वाइट तिल है ये, और हमने एक पैन लिया है यहाँ पर। तो हमको सिर्फ हल्का सा इसको भूनना है फ्रेंड्स। 2 मिनट के लिए हमने इसको हल्का सा तवे पर भून लिया है, इसको हमको रेड नहीं करना है। अब हम ये परात में इसको निकाल रहे हैं। अब यही पैन में हम डाल रहे हैं ये 2 कप भर के गुड़। तो ये गुड़ को हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के हमने पिघाल लिए थे पहले ही। आप चाहें अगर आप इस तरीके से नहीं पिघाले तो ये तवे में इस वक्त भी डाल सकते हैं, पर हमने इसको थोड़ा जल्दी काम होने के लिए किए हैं। तो ये 2 कप गुड़ है, इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक और 1 पिंच कार्डेमम पाउडर यानी इलायची पाउडर, और थोड़ा सा हम घी डालेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब हम घी डालेंगे। ये सब ऑप्शनल है, नमक जो है, कार्डेमम पाउडर जो है और घी है, ये सब ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। अब हम इसको मिलाने के बाद ये जो तिल को भुने थे तवे पर ये भी इसी वक्त मिला देंगे इसमें। अब हम इसको हिलाते जाएंगे, इसको लगने नहीं देना है, नीचे जलने नहीं देना है, इसको हमको कंटिन्यूअस हिलाते रहना है। बहुत जल्दी ये चिक्की रेडी हो जाती है। और खाने में अभी जो सर्दियां हैं तो सर्दियों में तिल भी गर्म है और गुड़ भी गर्म है, तो ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए तिल। तो अब हम इसे फैला लेंगे। यहाँ पर एक हमने ट्रे को उल्टा रखे हैं और उसके ऊपर हमने बटर पेपर डाले हैं। अब हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन हमको उसको इस तरीके से बाद में जो है हमको निकालना मुश्किल होगा और कड़क हो जाएगा ना, सख्त हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसके लिए हम अभी इसको कट कर लेंगे जो शेप में हमको कट करना है। फ्रेंड्स, हमने इसके नीचे जो बटर पेपर लगाए थे तो उसको आपको गरम गरम में ही इसको निकाल लेना है, पूरा ठंडा होने के पहले ही निकाल लेना है, नहीं तो बटर पेपर इस पर चिपक जाएगा। और इन केस अगर आपका चिपक गया तो आपको थोड़ा सा तवे को गरम करके उस पर एक एक पीसेस को रखते जाना है, और गरम होने पर निकाल कर फ़ौरन बटर पेपर को अलग करना है, उस तरीके से भी बटर पेपर निकल जाएगा। और एक और वे है, आप इस तरीके से कोई भी हम लेके आते हैं जब बाहर से टोस्ट वगैरह, तो उसमें जो थैली होती है, जो पाउच में वो पैक रहता है, तो उसको आप कट करके इस तरीके से सिल्वर पे अगर डालेंगे तो इस पर जो है इसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली चीकी जो है इस पर से निकल आएगी। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीकी कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत अच्छी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।